नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। टाउन हॉल गांधी भवन में मिनी सदन की बैठक हुई संपन्न। संविदा विद्युत कर्मियों की छटनी के मामले में कर्मियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का फूंका बिगुल। अखरी बाईपास के पास मंदिर के स्थान पर अन्य निर्माण कराए जाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल शाखा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। टाउन हॉल गांधी भवन में मिनी सदन की बैठक संपन्न हुई। टाउन हॉल के गांधी भवन में मिनी सदन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी वार्डों के पार्षद मौजूद थे। सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। दीपावली पर्व भी नजदीक होने के कारण सड़कों सहित अन्य लोगों को जो भी परेशानियां हैं उससे महापौर को अवगत कराया गया, जिसमें नगर आयुक्त अक्षत वर्मा सहित लगभग सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने पार्षद की बातों को सुना और रजिस्टर में दर्ज किया गया। एक एक कर सभी की मांगे पूरी करने की महापौर ने अधिकारियों को आदेश दिया। इस दौरान नगर निगम वाराणसी के उपसभापति नरसिंह दास ने बताया कि नगर निगम वाराणसी ने अपने पुनरीक्षित बजट 2024-25 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया, जिस पर सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और इस पर चर्चा की गई। ये आज नगर निगम वाराणसी अपने पुनरीक्षित बजट 2024-25 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया, जिसपे सभी सम्मानित सदस्य अपने अपने सुझाव सदन में रख रहे हैं, उसी पे चर्चा बजट पे हो रही है। क्या सुझाव भी, क्या निर्णय निकल रहा है, जिस तरह से सड़कों के लोग इस तरह से रूम। देखिए, ये पुनरीक्षित है और पुनरीक्षित हमारा जो छमाई होता है मूल बजट, उसके साथ पुनरीक्षित जब आती है तो उसमें बीते हुए 6 माह में जो काम हुए हैं और कहीं कहीं किसी काम की अधिकता होती है, बजट का प्राविधान करना होता है, तो उसे हम पुनरीक्षित में उसका प्राविधान करते हैं। अब वो किसी मद में अगर वृद्धि हुई है या घटौती हुई है तो सदस्य अपनी राय रखते हैं। हमारी आय क्या है, हमारी व्यय क्या है, उस संतुलन पे भी सभी माननीय सदस्यों का राय आता है, उसी पे चर्चा हो रही है। ये जो हमने आज अपना पुनरीक्षित बजट 2024-25 को प्रस्तुत किया है, जिसमें लगभग ये कुल 1,059,16,77,000 का हमारा जो मूल बजट रहा उसको हमने प्रस्तावित जो किया है वो लगभग 1,197,12,000 का हमने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार जलकल वाराणसी का भी पुनरीक्षित प्रस्तुत हुआ है, उसका मद अलग है, ये और उसी पे ये चर्चा सभी लोग कर रहे हैं। उसमें दीपावली को लेके डीजल पे कुछ वृद्धि हुई है, डीजल में वृद्धि हुई, उसमें माननीय सदस्यों का कहना है कि नगर में सफाई कहीं प्रभावित है और नियमित कूड़े को उठान नहीं हो पा रहा है, तो ये वृद्धि कैसा किया गया है, इसी पे थोड़ी गर्मा गर्मी दिख रही है। जो वो जागरूक सदन है और सदन एक एक पैसे के जनता की गाढ़ी कमाई पे अपना हिसाब किताब लेती है, ये उनका अधिकार बनता है। संविदा विद्युत कर्मियों की छटनी के मामले में कर्मियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के डायरेक्टर कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा 2017 के मानकों को लागू करने के नाम पर संविदा कर्मचारियों के ट्रांसफर और असिस्टेंट बिलिंग के तहत बड़े पैमाने पर छटनी का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश से लगभग 3,000 संविदा कर्मियों की नौकरी पर संकट के बादल छा गए हैं। इस अन्यायपूर्ण आदेश के विरोध में विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 18 अक्टूबर को पुनीत राय के नेतृत्व में प्रबंध निदेशक कार्यालय पर
एक दिवसीय सत्याग्रह आयोजित किया गया। सत्याग्रह के दौरान पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने डायरेक्टर से मुलाकात की। बैठक में डायरेक्टर ने आश्वासन दिया था कि कोई भी निर्दोष कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वे कर्मचारी जो नियम से वेतन तो ले रहे हैं लेकिन किसी अधिकारी के निजी कार्यों में लगे हैं उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन के निदेशक आरके जैन से यह आग्रह किया गया था कि अगस्त माह की हड़ताल में निकाले गए निर्दोष कर्मचारियों की सूची जिसे कारपोरेशन ने पूर्वांचल डिस्कॉम को भेजा था पर उचित कार्रवाई की जाए, साथ ही इस आशय का लिखित आदेश जारी किया जाए ताकि जनपद स्तर पर कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोका जा सके। हालांकि निदेशक ने लिखित आश्वासन देने का वादा किया था लेकिन अब वे अपने वादे से पीछे हटते हुए पत्र जारी करने से इनकार कर रहे हैं। अब संगठन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। मंगलवार से प्रबंध निदेशक मुख्यालय वाराणसी पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ की गई। यह हड़ताल संविदा कर्मचारियों के अधिकारों और न्याय की रक्षा के लिए है। संगठन तब तक नहीं हटेगा जब तक प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता है और कर्मचारियों के हित में स्पष्ट लिखित आदेश जारी नहीं करता है। निदेशक प्रशासन द्वारा 30 तारीख को एक डीसी के माध्यम से एक आदेश पारित किया गया था कि 2017 का मानक लागू किया जाएगा पूर्वांचल, जिसके तहत हर सब स्टेशन से लगभग 2 से 3 आदमी की छुट्टी दी जा रही है। और पूर्वांचल में लगभग 1164 सब स्टेशन है जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3500 से ज्यादा आदमी की छुट्टी दी जाएगी। अभी पिछले 18 तारीख को हमारे द्वारा यहाँ एक शांतिपूर्ण विशाल सत्याग्रह किया गया। उस सत्याग्रह में शाम को निदेशक साहब से हमारी वार्ता हुई और उस वार्ता में उन्होंने कहा कि हम ऐसे कर्मचारियों को निकालने का आदेश दिए हैं जो लोग विभाग से भुगतान लेते हैं लेकिन काम किसी अधिकारी का निजी स्वार्थ में करते हैं, चाहे किसी की गाड़ी चलाना हो चाहे कोई और अन्य काम में लेता हो। और हमसे वार्ता के बाद उन्होंने इसका लिखित आश्वासन देने का भी वादा किया। अभी कल सोमवार तक इन्होंने इस बात से मुकर गए, इन्होंने हमें सिर्फ कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद आज मजबूरन संगठन को भूख हड़ताल को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और पिछले 18 की जो नोटिस थी उसमें हमने पहले से दे रखा था कि 18 को अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तो आने वाले 22 तारीख से भूख हड़ताल किया जाएगा। क्योंकि लगातार आपको की तरफ से झूठ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है कि आपको की मांग पूरी नहीं है? हमारा एक कार्यक्रम पूर्व आयोजित है, पूर्व सूचित है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, जो निर्दोष संविदा कर्मियों को एक बहाना करके निकाला जा रहा है उस पर अगर लगाम नहीं लगाया गया है और जो निकाले गए हैं वापस नहीं लिए गए तो उसी के कारण या दूसरा चरण है जिसमें कि हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल विद्युत संविदा मजदूर संगठन के प्रभारी श्री पुनीत राय जी द्वारा आज 10 बजे प्रारंभ कर दिया गया है। यदि इसके बाद भी हमारे मांगों को विचार नहीं किया जाता, वार्ता नहीं किया जाता है तो हम इस आंदोलन को पूरे पूर्वांचल और अगले चरण में पूरे प्रदेश में इनके तानाशाही के खिलाफ अपना आंदोलन चलाएंगे। तो कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? आज केवल एक लोग आज बैठे, आज शुरुआत हुई है, केवल पुनीत राय जी आज बैठे शुरुआत किया गया है। संविदा मजदूर संगठन द्वारा हमारे पूर्वांचल के संविदा कर्मी लगभग 3000 संविदा कर्मियों को बिना किसी कारण के निकाले जाने के विरोध में हम लोगों ने 18 तारीख को धरना प्रदर्शन सत्याग्रह किया था। उसमें हम लोगों का आश्वासन मिला था कि आप लोग सत्याग्रह खत्म करिए और हम आपको वार्ता के लिए बुलाएंगे और लड़के नहीं निकाले जाएंगे, ऐसा निदेशक कार्मिक महोदय द्वारा आदेश दिया गया कि हमने ये आर्डर नहीं किया है।
लेकिन अभी तक उनके पक्ष में कोई लेटर हमको नहीं मिला, ना कोई जवाब मिला कि समझा कर्मी निकाले जाएंगे नहीं निकाले जाएंगे। उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो लड़के पावर हाउस पे काम कर रहे हैं मेहनत से राज वसूली कर रहे हैं उनको न निकाल के जो लड़के डमी है जो घोष के रूप में बढ़ रहे हैं, मतलब वेतन तो पावर हाउस के नाम पे ले रहे हैं लेकिन काम कहीं और कर रहे हैं, किसी गाड़ी चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, काम अनंत कर रहे हैं, वो लड़के निकाले जाएंगे। लेकिन आज उन्होंने कहा है, कल उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं जो लड़के काम नहीं करते हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा है काम नहीं करते इसका मानक कौन तय करेगा, जेई साफ करेंगे एसडीओ साफ करेंगे, इसमें ये होगा जो लड़के बेचारे मेहनत कर रहे हैं हमारे समझा भाई जो जी जान से मेहनत कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी, उनको निकाल दिया जाएगा, जो जेई एसडीओ के पिछलग्गू है जो उनके साथ बैठते हैं उनको रख लिया जाएगा, बेशक वो काम नहीं करते हैं, ऐसा तमाम पावर हाउस सुनने में आया है, वो खाली जेई एसडीओ साहब गाड़ी चला रहे हैं घूम रहे हैं वो अच्छा बने हुए हैं, लेकिन जो बेचारे धूप में ठंडी में पोल पे चढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं राज वसूली कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग आज भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, हमारे केंद्रीय कमेटी का आह्वान हुआ है, हमारे पुनीत राज जी बैठे हुए हैं, हम लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, जब तक ये सबकी कार्रवाई कोई भी बिना किसी कारण बताए बिना सही कारण के, हाँ हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, जो अगर जो लिप्त है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो हमारे संगठन में तो भी कोई दिक्कत नहीं उनको निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कारण होना चाहिए, इसका निर्णय हमारे डायरेक्टर साहब लेंगे। अभी जैसे 18,000 वाटर है कि इसमें उन्होंने बोला कि जो कमी है उनको हटाया जाएगा और अभी कह रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा, नहीं उन्होंने कहा जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाया जाए, तो इसका आइडेंटिफाई कौन करेगा कि काम नहीं कर रहे हैं, हम तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ये आदेश जो लीपापोती का आदेश दिया जा रहा है जो तानाशाही रवैया का आदेश है ये गलत आदेश है, या तो ये बोल दें कि जो घोष्ट है मतलब पावर हाउस के नाम पे पेमेंट ले रहे हैं लेकिन काम कहीं और कर रहे हैं इसकी सूची मिल जाएगी सब लोग उपलब्ध करा देंगे, ये आदेश बनाना चाहिए कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं ये अंतर कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि सारे लड़के समझा भाई साहब के काम कर रहे हैं। कैसी बात है आपका, इसकी शिकायत हम लोग किए हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया है, आज हम लोग भूख हड़ताल किए हैं, राजवार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं, ये और विकराल रूप होगा या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलेगा हम लोगों का जब तक हमारे सभी समझा भाई अपने स्थान पर बने नहीं रह जाएंगे। अभी जो पुलिस भूख हड़ताल से आने वाले समय में और भी लोग इसके सम्मिलित होंगे, पूरा पूर्वांचल एक हो जाएगा, अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, सबको बराबर सप्लाई मिले, हमारी बिजली का व्यवस्था सुचारू रूप चलती रहे, व्यवस्था बाधित ना हो, क्योंकि हम लोग भी उसी के अंग है, अगर हम लोग कर्मचारी हमारे समुदाय वाले का विभाग के कर्मचारी है, हम लोगों का ये कोशिश है दायित्व है सबको बराबर समरूप पब्लिक को भी जनता को भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग बैठे हैं, अगर नहीं मानेंगे नहीं बुलाते हैं तो पूरा पूर्वांचल जुटेगा यहाँ। अखरी बाईपास के पास दुर्गा माता की प्रतिमा के स्थान पर निर्माण कराए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। रोहनिया थाना अंतर्गत अखरी बाईपास के पास एक ग्राम सभा की जमीन है जिस पर सदियों से मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित है, वहीं गांव के प्रधान हरि प्रधानपति हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि वो क्रिश्चियन धर्म के हैं, वहीं ये जबरदस्ती प्रशासन के साथ मिलकर जमीन पर कोटेदार का कार्य करने जा रहे हैं जिसका ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ये जो जमीन है वो धर्म और आस्था की जगह है जहां सदियों से लोग आकर पूजा पाठ करते हैं, परंतु इस समय इन लोगों द्वारा लोगों को क्रिश्चियन बनाने का कार्य किया जा रहा है और अब ये सनातन को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं। सरकार ले ले हम पूजा करा बदे
इस तरह की यहाँ पे जो है तीसरा अराजी नंबर 1257 नवीन पट्टी के नाम से है। इस नवीन पट्टी जमीन में हम लोग सरकारी सस्ते गले की दुकान को बना रहे हैं। इस गांव वालों का कहना है कि यहाँ पूजा पाठ है। पूजा पाठ मंदिर तो है बगल में ना, पूजा पाठ मंदिर बना हुआ मंदिर। हम अच्छा हम जनहित में ये अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए हम बना रहे हैं सर। हमारा राशन वितरण कार्ड सबसे अधिक राशन राशन कार्ड इसी बस्ती का है, उन लोगों को लाभ लेना है। हमारे घर के थोड़ी हमारा राशन कार्ड है, हम राशन लेने उठाते हैं। यहाँ साधन रोड पे है, इसलिए हमारा साधन सुनिश्चित है। दिक्कत यह है भैया कि यहाँ जवान हम बहुत दिन से हम लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ दुर्गा माई बैठे ली, यहाँ जितिया माई पूजा ली, यहाँ सब होला। इस सरकार हमने के देने रलन पूजा उद्यान कर दे, और बाद जो ना यहाँ अलन गढ़ा खाना प्रधान जी, तो हम कहली कि प्रधान जी यहाँ गढ़ा मत खाना। तो हम कहा था कि यहाँ असला मूर्ति बनेगी एक हफ्ता पहले। हमारे गांव का लड़की लड़का ना ही रहा, लड़की लड़का ना रहा, जब कलन के बाद में हाथ बढ़ गिर कलन की ज्यादा भाभी यहाँ ना बनी, यहाँ ना बनी। और तू सब कहीं मत जाग जा, मत पुलिस के यहाँ जा, मत दरोगा के यहाँ जा, मत कहीं मत जाग जा। जो विधायक है सुनील पटेल, उनसे आप लोग मुलाकात की बात हुआ था, प्रधान से बात हुआ है, कल उनके प्रधान से बात है। आखिरी गांव में क्या समस्या है? यहाँ पर यही समस्या है कि माई की मूर्ति बैठा है, तो माई की मूर्ति प्रधान हटाना चाहता है, यहाँ कोटा बनवाना चाहता है। तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर कोटा न बने, और जितिया माई का पूजा होता है और दुर्गा माई के भी मूर्ति बैठाया जाता है यहाँ पर। फिर बच्चे जूता लहा के मूर्ति माई के लिए आके बैठा दे कि यहाँ पर कम से कम मूर्ति बैठा देंगे तो यहाँ से कोटा नहीं बनवाएंगे। लेकिन फिर भी प्रधान यहाँ पर कोटा बनवा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर कोटा बनवा रहे हैं। जमीन किसकी है? ये जमीन मतलब सरकारी है, लेकिन हम लोग सरकारों से लड़ेंगे ना। ये जो फोर्स आई है, जो पीएससी और पुलिस आई है, किसकी तरफ से? पुलिस आई है, प्रधान लिया है, पुलिस प्रधान लिया है। पुलिस लोग भाई उसका काम वो करेंगे, वो तो करेंगे। लेकिन यही बात है कि समस्या हम लोग की यह है कि माई के खातिर हम लोग लड़ रहे हैं, इतने ही जमीन है, इतना छोड़ दो। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल शाखा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। घोरावल सोनभद्र स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के वार्षिक अंतर सदनीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। तत्पश्चात बच्चों ने मुख्य अतिथि के स्वागत में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेल का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक ने रंगीन गुब्बारों के गुच्छ को हवा में उछालने तथा खेल मैदान में फीता काटकर किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बच्चों में खेल प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें निरंतर खेल खेलने एवं अनुशासन में रहने की बात कही। खेल का शुभारंभ बास्केटबॉल एथलीट, बैडमिंटन, कैरम, चेस एवं टेबल टेनिस के साथ किया गया। तत्पश्चात विजेता एवं उपविजेता टीमों को मुख्य अतिथि ने मेडल, सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी प्रदान करते हुए भविष्य में और आगे बढ़ने एवं समस्त प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन छात्रा अनन्या गुप्ता एवं ज्योति कविराज ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक आकाश असोनी, अभिषेक गिरी, विपिन सिंह, मोतीलाल गुप्ता, उमेश कुमार, मुनिराज, किरण मौर्य, शिखा चौबे, आकांक्षा, शिखा दुबे, रविन्द्र यादव, राजकुमार यादव आदि की भूमिका सराहनीय रही। All the teachers are also kindly requested to be over here for the inauguration of annual sport of our school 2024. Motivational and inspirational principal sir, once again I request all the students to have a huge round of applause over here. Hurry up! Let's start.
That would be very big eye. Now we have to look. Once again, big hand, and yes, all of you. And once again, there should be very big hand for Raman House participants who participated, performed, and won the basketball boys final. सोनांचल के घोरावल स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आज से 2 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे बड़े उत्साह से इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को खेल की भावना से खेलने एवं नवीन मापदंड स्थापित करने की शुभकामना देता हूं। सिग्रह स्टेडियम का नाम परिवर्तित किए जाने का कांग्रेस जनों ने विरोध किया तथा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय वाराणसी पर पुनः पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय संपूर्णानंद जी का नाम स्टेडियम पर हो इस मांग को लेकर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ व मांग पत्र के रूप में राज्यपाल को संबोधित पत्रक एडीएम सिटी को सौंपा गया। बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस जन स्वर्गीय संपूर्णानंद जी का स्टेडियम से नाम हटाए जाने पर आक्रोशित थे। विरोध के स्वर में कांग्रेस जनों ने अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी योगी सरकार ने सिग्रह स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया है। कांग्रेस जनों ने चेतावनी के साथ कहा कि सिग्रह स्टेडियम का नाम वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हटाकर पुनः की भांति जब तक डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं किया जाएगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के कायस्थ नेता व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल श्रीवास्तव उपस्थित रहे। बनारस के प्रतिष्ठित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम के आधुनिक निर्माण के उद्घाटन के साथ स्वर्गीय संपूर्णानंद जी का नाम हटाना न केवल शर्मनाक है बल्कि काशी की गौरवशाली विरासत का
अपमान भी है। कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि कांग्रेस पार्टी इस अनैतिक कार्य का दृढ़ विरोध करती है और सभी से काशी की ऐतिहासिक पहचान की रक्षा के लिए एकजुट होने का अनुरोध करती है। हम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये संघर्ष की लड़ाई जन आंदोलन में तब्दील होगी, क्योंकि काशी का अपमान हम काशीवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्यमहिला पीजी कॉलेज के इतिहास विभाग द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। आर्यमहिला पीजी कॉलेज के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित पीपल्स क्वीन रानी लक्ष्मीबाई द फेस एंड वॉइस ऑफ इंडियन रेसिस्टेंस विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे एवं कॉलेज के संरक्षक डॉ शशिकांत दीक्षित के आशीर्वचन के साथ आगे बढ़ा। संगोष्ठी की संयोजिका डॉ अनीता सिंह ने दो दिवसीय संगोष्ठी का विषय प्रवर्तन किया। संगोष्ठी की मुख्य अतिथि डॉ पूजा व्यास, निदेशक आईसीपीआर नई दिल्ली ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर राणा पीबी सिंह, भूगोल विभाग विज्ञान संस्थान बीएचयू व प्रोफेसर डीपी दुबे, पुरातत्व विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संगोष्ठी को संबोधित किया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर मालविका रंजन, इतिहास विभाग सामाजिक विज्ञान संकाय बीएचयू तथा डॉ उपेन्द्र विनायक सहस्त्रबुद्धे संस्कृति भारती न्यास ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा के द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में 10 शोधार्थियों ने शोधपत्र प्रस्तुत किया, जिसकी अध्यक्षता डॉ नरेश सिंह व डॉ श्वेता सिंह ने किया, जबकि डॉ नीरज राणा ने सत्र का रिपोर्ट प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह जो कि आईसीएसएसआर द्वारा जो फंडिंग है उसके द्वारा यह दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन इस महिला महाविद्यालय में इतिहास विभाग में हो रहा है। क्या विषय है कि जो अपनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका संबंध काशी से था, जिनका जन्म यहाँ पे हुआ था, जिनका नाम मणिकर्णिका बाई भी था, तो यह उनकी जन्मस्थली है, तो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका अदा की और एक पर्याय के रूप में वह जानी जाने लगी और जिसकी ख्याति के रूप में हम लोग कहते हैं कि मुर्दे में भी जान डाल दे, उनकी ऐसी कहानी है, ये और कोई नहीं, वह झांसी वाली रानी है। तो उस रानी के बारे में, उस वीरांगना के बारे में आज जो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है और खासकर भारतीय इतिहासकारों ने तो लिखा ही नहीं बहुत सारी बातें। सर्वप्रथम जो माझा प्रवास में विष्णु गोडसे कह रहे हैं, तो ऐसी बातों को लाकर खंगाल कर लाकर जो कि बुंदेल क्षेत्र में वहाँ के जन जन लोग जो कुछ चित्रों के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से उनके संबंधित जानकारियाँ हैं वो एकत्रित करके लाकर यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकार आए हुए हैं, इस विद्यालय से हैं, दूसरे विश्वविद्यालय से हैं, तो वह सारी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे। तो जो बहुत सारी बातें नहीं रखी गई हैं लेकिन विदेशी इतिहासकारों ने, जैसे पामेला डी टालर है, ह्यूग रोज हैं, डस्किन बॉन्ड हैं, इन लोगों ने बहुत सारी बात उनके बारे में कहा, तो सबके समक्ष रखी जाएगी। कुछ जो कि इतिहास अछूती रहती है, बहुत सारे विचारधाराओं के लोग नहीं लिखे और उनको एक बस एक नायिका के रूप में रखते हैं, लेकिन वह जन जन की रानी थी। जन जन की रानी को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी कुमार जैन की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मलदहिया स्थित डॉक्टर अश्विनी कुमार जैन क्लिनिक पर नगर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी कुमार जैन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शहर के अनेकों आम और खास लोग उपस्थित हुए।
पुष्पांजलि सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों के हृदय में डॉ अश्विनी जैन से जुड़ी हुई तमाम बातें उमड़ रही थीं। डॉ अश्विनी जैन की पुण्यतिथि मनाई गई, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके विचारों से लोगों को अवगत कराया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर दो मिनट का मौन रखकर पुष्पांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर गिरधर दास, आलोक अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, डॉ आंचल, डॉ हर्षित जैन, अनिल जैन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज डॉक्टर अश्विनी जैन, जो कि शहर के एक अति ख्यात लब्ध चिकित्सक थे, उनकी चौथी पुण्यतिथि है। डॉक्टर साहब इतने सहज और सरल स्वभाव के थे कि इतने वरिष्ठ चिकित्सक होते हुए भी उन्हें अभिमान लेश मात्र भी नहीं था। मरीज उनसे मिलते ही उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती थी। उनका बनारसी लहजा, उनका बनारसीपन और अपनापन, ये मरीज को एकदम स्वस्थ कर देता था। बड़ी से बड़ी बीमारी में मरीज आता था और हम हैं, तुम चिंता मत करो, बस जैसे बतला रहे हैं वैसे करो। कई बार तो वो ये कहते थे कि देखो घी तेल तुम्हें नहीं खाना है, लेकिन बनारसी आदमी इसका परहेज बहुत मुश्किल से करता है, चलो तुम टहलना शुरू करो। इस तरीके की अपनी छोटी छोटी बातों से वो लोगों का मन मोह लेते थे। समय किस तरीके से बीतता है पता नहीं लगता। आज 4 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी वो हमारे दिल, दिमाग और हृदय में जीवित है। उनकी याद हम सबके लिए अमिट है और बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा हम सबके साथ बने रहे। आज पिताजी की पुण्यतिथि है। कोरोना की चपेट में सन 2020 में पिताजी आ गए थे और 22 अक्टूबर सन 2020 को उनका देहांत हो गया था, तो उसी के वजह से आज हम लोग उनको पुण्यतिथि पे पुनर्पण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। पिताजी हमेशा मरीजों के प्रति बहुत जागरूक रहे हैं, उनके लिए मरीज हमेशा प्रिय रहे हैं। जैसा कि 2020 में भी था, उनको लग रहा था कि मरीज हमारे परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से, जबकि सरकार का निर्देश था कि 60 या उसके आसपास के अवस्था के डॉक्टर मरीज ना देखें, लेकिन मरीजों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने कोरोना में भी अपने मरीजों को देखा है, जिसकी वजह से उसकी चपेट में आके वो चल गुजरे। तो उसी तरह ये संदेश रहेगा कि हमेशा हम लोग उसी की तरफ प्रेरित रहेंगे, मरीजों के इलाज में, उनके देखभाल में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चे सम्मानित हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साइंस फैकल्टी के ब्रोचा ग्राउंड पर जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपने अपने आयु वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 पदक प्राप्त किए। वहीं राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों का शानदार प्रदर्शन रहा। बच्चों ने 8 स्वर्ण पदक, 9 रजत, 6 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम की उपलब्धि पर विद्यालय परिसर में मंगलवार को स्कूल प्रबंधन ने टीम में शामिल बच्चों और कोच को सम्मानित करते हुए उनकी सफलता के लिए बधाई दी। टीम की सफलता पर विद्यालय प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, समन्वयक एके वर्मा, अमित गुप्ता ने बच्चों एवं विद्यालय के कराटे प्रशिक्षक जयपाल कुमार सोनकर का सम्मान करते हुए सभी बच्चों को आत्मरक्षा के लिए कराटे सीखने हेतु प्रोत्साहित किया। सानवी फास्ट, सानवी तेज, और कंटिन्यू पैर चलाती हो। ठीक है ठीक है। अरे यार, ओह हो, बीच में चलो 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 चलो, ओह हो, चलो चलो जल्दी, सानवी चलो, सानवी भागो तेज, चलो 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 करती रहो, चलो चलो फास्ट करो और फास्ट करो। तेज करो तेज करो, फर्स्ट आ जाती है।
अपने विद्यालय के बच्चों ने 14वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बोचा छात्र ग्राउंड पर आयोजित किया गया, जिसमें क्लब और स्कूल के लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। जो नौनीतापुर पब्लिक स्कूल के 6 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 4 बच्चों ने पदक प्राप्त किया। अपने अपने आयु वर्ग में इनको सिल्वर और गोल्ड कास्ट पदक प्राप्त हुए। साथ ही साथ फर्स्ट काशी कप स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 बच्चों ने 8 जिला के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आए हुए थे खेलने वाले। लगभग अपने विद्यालय से 23 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 9 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज पाकर पूरी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं इन सभी अपने कोच और बच्चों को बधाई देता हूं और उसे निवेदन करता हूं कि आगे भी इन बच्चों को ऐसे ही उत्साह के साथ खिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बाइक रैली निकाली गई। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान पद्मनाभ त्रिवेदी प्रांतीय अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों द्वारा पिछले 2 सालों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। आज इसके अंतर्गत बाइक रैली निकाली जा रही है, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से होते हुए शास्त्रीय घाट पहुंचेगी, जहां से कलेक्ट्रेट परिसर
पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का एक हमारा पूरा संगठन बना है जिसमें तमाम विभागों के लोग हैं, पंचायती राज, सिंचाई विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसमें PWD भी है, अन्य छोटे मोटे विभाग भी हैं, सब मिला के एक बड़ा हम लोगों ने समागम बनाया है। और ये हम लोग पिछले 2 सालों से लगातार पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये हमारी शंखनाद और बाइक रैली है जो कि आज यहाँ से निकलते हुए शास्त्री घाट पे हमारी और विभागों के लोग जुटे हुए हैं, उसके माध्यम से हम कैंपस से निकलते हुए पूरा चक्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और वहाँ जिलाधिकारी महोदय को अपना कि हमारी पुरानी पेंशन OPS बहाल किया जाए इस संबंध में ज्ञापन देंगे। आप लोगों की मांग तो बहुत सालों से चल रही है लेकिन अभी हाँ देखिए मांग तो हमारी बहुत सालों से चल रही है। हम लोग अपना कार्यक्रम लोकतांत्रिक ढंग से करते हैं और ये पुरानी पेंशन बहाली जो मोर्चा बनाया है हमने, हम लोग इसको पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी लगातार ये विभिन्न जनपदों से कार्यक्रम होते होते आज बनारस आया है, इसी तरह ये लखनऊ होते हुए पूरे प्रदेश में हो जाएगा और 17 नवंबर को हमारी विहंगम रैली पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की, शिक्षकों की, पंचायती राज की, विभिन्न विभागों के लोगों की जंतर मंतर पर होनी है। और वहाँ पर हम अपने हमारे सांसद भी हैं मोदी जी, हम बार बार अपील कर रहे हैं कि ये 2005 से जो चला आ रहा है अभी उसको थोड़ा संशोधन किया है उन्होंने UPS, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा UPS हमें कतई स्वीकार नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमको OPS हमारी बहाल की जाए, वो हमारे बुढ़ापे की लाठी, हमारी पेंशन, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो नए लोग आए हैं, बच्चे आए हैं 2005 के बाद से, उनको मिले, तभी ये एक नैसर्गिक न्याय होगा हमारे साथ, संगठन के साथ और पूरे समाज के साथ। क्या लगता है आज जो संघनाथ निकाल के देखिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता में लिखा हुआ है, उसका हम लोग पालन करते हैं और हमारा काम है कर्म करना, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। और मेरा विश्वास है इस बात पे कि अब हम नॉक करते रहेंगे तो दरवाज़ा एक ना एक दिन खुलेगा और ये हमारी पुरानी पेंशन, मेरे जो अंतरात्मा मेरी कह रही है कि हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी किसी दिन TV पर प्रकट हों 8 बजे रात में, और जैसे उन्होंने और घोषणाएं की 8 बजे ये घोषणा करें कि आज से पुरानी पेंशन OPS बहाल की जाती है। इसी तरह आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, हम दरवाजा खटखटाते रहेंगे सरकार का, सरकार को नॉक करते रहेंगे और हमारी ये नॉकिंग तब तक चलेगी जब तक कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली सरकार स्वीकार न कर ले। भेलूपुर स्थित दुर्गाकुंड के पीछे मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों ने भूमि विवाद को लेकर प्रेस वार्ता की। भेलूपुर स्थित दुर्गाकुंड के पीछे मलिन बस्ती में रहने वाले दर्जनों परिवारों ने मलिन बस्ती के सदस्य SN सिंह व मलिन बस्ती के परिवार के द्वारा प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि इस मलिन बस्ती में सन 1959 से बड़ी संख्या में परिवार रहता चला आ रहा है। आज मलिन बस्ती में सैकड़ों परिवार रहकर सफाई आदि करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। नगर निगम वाराणसी के सार्वजनिक भूमि राजा अमेठी डॉक्टर संजय सिंह के पिता स्वर्गीय रणंजय सिंह सन 1958 में नगर निगम वाराणसी को नियमानुसार दान दिए थे। उक्त भूमि दान दी गई वह किस स्थिति में थी और 136 एकड़ जमीन समतल थी। इस सार्वजनिक जमीन का उपयोग धर्मार्थ कार्य पंचकोशी यात्रा पर जाने वाले भक्त करते थे। सन 1959 से सफाई कर्मचारियों के पूर्वज यहां रहने लगे, लेकिन अब डॉक्टर संजय सिंह द्वारा दान में दी गई जमीन को पुनः वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे राजस्व विभाग द्वारा शासन के आदेश से स्थगित कर दिया गया। प्रेस वार्ता इसलिए रखे है कि राजा अमेठी जो है नगर निगम प्रशासन को सन 1958 में जो है दान दिया था, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है दान की चीज पुनः वापस लेना चाहते थे। उस समय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, संजय सिंह परिवहन मंत्री रहे। जब यहाँ के परिवार को उत्पीड़न करने लगे तो हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल जाकर हम लोग लखनऊ में मुख्यमंत्री जी से मिले और कहे कि सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जमीन जो है हमको पट्टे पर दे दिया जाए। उन्होंने नगर विकास मंत्री पद्मा सेठ के पास जो है हम लोगों को भेजा, वहां पर हम लोगों को एक आदेश जारी हुआ नगर महापालिका प्रशासक को कि आप किसी भी प्रकार का जो है दुर्गा कुंड सफाई में छेड़छाड़ न किया जाए और जब तक शासन का आदेश नहीं होता है। तो उस समय उनके प्रभाव से संजय सिंह के हम लोग पत्रक दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मायावती जी के समय में भी एक आदेश निकला कि जो है
कि सरकारी जमीन पर गरीब लोग रहते हैं वो जमीन पट्टे पर दिया जाए। और हमारे इस समय वर्तमान में योगी जी हुए हैं, वो भी एक अध्यादेश जारी किए कि जिस सरकारी जमीन पर गरीब लोग रहते हैं वह जमीन पट्टे पर दिया जाए। और वह अध्यादेश के अंतर्गत हम लोगों ने सामूहिक आवेदन पत्र जो है भारत सरकार को और जिला प्रशासन को और उत्तर प्रदेश शासन को हम लोगों ने लिखित प्रेषित कर दिया। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि संजय सिंह के वजह से सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमारा कहना है कि सरकार जब अध्यादेश लागू किया है, हमारे प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों को गंगा तट पर जाकर पोस्ट के चक्कर में, हम यह कहेंगे कि राजनीति के चक्कर में समाज को दिखाने के लिए सफाई कर्मचारियों का पैर धोए थे, आज हम बड़ी खेद के साथ कह रहे हैं कि एक तरफ आप सम्मान समाज में दिखा रहे हैं, दूसरे तरफ हम तो उजाड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, यदि आदेश निकला है तो उसका पालन किया जाए, नहीं तो जस्टिस डिनाई, हम जो है न्याय लेने के लिए हम जो है न्यायालय की दरवाजा खटखटाएंगे। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह राजा अमेठी है, मालिक है। हमारी जमीन यही है। सरकार को जब आप जमीन लिखित दे दिए नगर निगम को, तो आप विश्वविद्यालय को भी मालवीय जी को 300 एकड़ जमीन राजाओं ने दे दिया, तो आज राजा चाहते तो मालवीय जी खड़ हो जाते, सब जमीन वापस हो जाता। तो जमीन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो है संजय सिंह खाली राजनीति के या गरीबी समझ के उत्पीड़न कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि सरकार ने जो अध्यादेश लागू किया है उसको जो है इन लोगों को पट्टे पर दिया जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। टाउन हॉल गांधी भवन में मिनी सदन की बैठक हुई संपन्न। संविदा विद्युत कर्मियों की छटनी के मामले में कर्मियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का फूंका बिगुल। अखरी बाईपास के पास मंदिर के स्थान पर अन्य निर्माण कराए जाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल शाखा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। पढ़े आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।